डाउट नट, अगर स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन में फंस गए हो तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। चाहे वो क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, क्लास 6 से 12 नीट आई टीजेई मेंस एंड एडवांस का क्वेश्चन हो, फिजिक्स का क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, मैथ का, बायोलॉजी का, कोई का भी क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास 9 से 12 हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में डेली लाइव क्लास चल रहा है डाउट नट पर। डेली 3 करोड़ छात्र डाउट नट से तैयारी कर रहे हैं, तो आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से। बीकेएसयू के ऐसे स्टूडेंट जो 17, 20, 23 में बीए बीएससी बीकॉम में नामांकन लेना चाहते हैं, बार बार एक ही सवाल करते हैं कि सर 7th लिस्ट कब तक जारी करेगा बीकेएसयू वाला। तो आपको बता दें, इस पर हम लोगों ने एडमिशन विभाग के सर से संपर्क किया और जो सर नोटिस दिए हम लोग को वहीं आपको यहां पर बताया जाएगा। साथ में स्टूडेंट बार बार एक ही सवाल करते हैं कि सर 18-21 सेशन का स्नातक पार्ट 2 का एडमिशन कब से होगा। स्नातक नामांकन जो आपका 20-23 में नामांकन हो रहा है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, इस पर भी एक डिटेल्स में वीडियो प्रोवाइड करा दीजिए। साथ में स्नातक पार्ट 3 परीक्षा कब होगा, स्नातक पार्ट 1 का फॉर्म कब भराएगा, पूरा डिटेल्स में वीडियो प्रोवाइड कराइए। देखिए, इस पर वीडियो में पहले ही प्रोवाइड करा दिया हूँ पार्ट 3 एग्जाम पर, पार्ट 1 फॉर्म पर, लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चे मैसेज करने लगे, इसके बाद आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। तो इसको जितना हो सके छात्र हित में शेयर जरूर कीजिएगा। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से पल पल की खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में एक ऐप होता है, इसको इंस्टॉल कीजिए, वहां पर सर्च कीजिए बीकेएसयू वाला ऑफिशियल, लगभग आपको वहां पर 5200 छात्र मिलेंगे, वहां पर जुड़ जाइए। जो भी नोटिस रहता है हम लोग वहां पर डाल देते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक कर सकते हैं। तो चलिए इस बड़ी खबर को जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे जो आपका 20-23 में एडमिशन हुआ है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लगभग कॉलेज में सूचना आने लगा है। देख सकते हैं यहां पर एचडी जैन कॉलेज आरा का ये सूचना है कि 9-10-2020 से 16-10-2020 तक आवश्यक कागजातों का सत्यापन करा लें, मतलब जिनका 20-23 में नामांकन हुआ है। क्या क्या कागजात लगेगा तो देखिए, ऑनलाइन आवेदन की प्रति, जो मतलब ऑनलाइन आप फॉर्म भरे थे उसका एक प्रति लगेगा। उसके बाद ऑनलाइन नामांकन भुगतान काउंटर रसीद की प्रति, अगर आप कॉलेज में फीस जमा किए हैं तो उसका भी एक आपका फोटोकॉपी लगेगा। तीसरा में आपका ऑनलाइन नामांकन स्टेटस, मतलब जो आप एडमिशन स्टेटस चेक करते हैं, जो भी आपका यहाँ पर 20J हटाकर आप डाल के एडमिशन स्टेटस चेक करते हैं उसका आपको एक कॉपी लगेगा। उसके बाद इंटर का अंक पत्र का फोटोकॉपी लगेगा, इंटर का प्रवेश पत्र का फोटोकॉपी लगेगा। उसके बाद अगर आप देखिए जैन कॉलेज के विद्यार्थी और स्नातक में भी जैन कॉलेज है तब आपका CLC नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपका इंटर में दूसरा कॉलेज है तो आपका CLC भी लगेगा। माइग्रेशन ऑन ए बोर्ड, मतलब आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट नहीं हैं, आप CBSE बोर्ड के हैं, दूसरे बोर्ड के छात्र हैं, तो आपका माइग्रेशन लगेगा। जाति प्रमाण पत्र लगेगा अगर आप ST SC या EWS हैं, और तत्काल में आपका एक फोटो लगेगा। कुछ दिन पहले आपका DK कॉलेज का भी नोटिस आया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जुड़ जाइए टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पर हम लोग जो भी कॉलेज का जैसे जैसे नोटिस आ रहा है हम लोग वहाँ पर डाल दे रहे हैं। तो इसको जितना हो सके छात्र हित में शेयर जरूर कीजिएगा। ये 9-10-2020 से 16-10-2020 तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन HD जैन कॉलेज का हो रहा है। इसके बाद देखिए, स्टूडेंट का बार बार एक ही सवाल है कि सर स्नातक पार्ट 2 का जो एडमिशन का वीडियो प्रोवाइड कराए थे वो मैं किस किस कॉलेज में हो रहा है बता दीजिए। तो देखिए, अभी जो अभी आपका प्राइवेट कॉलेज है, लगभग प्राइवेट कॉलेज में आपका पार्ट 2 का एडमिशन स्टार्ट है। देख सकते हैं कुछ दिन पहले भी आपको प्राइवेट कॉलेज का ही वीडियो प्रोवाइड कराया था कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन शुरू है, और यहाँ पर देख सकते हैं पटेल महाविद्यालय में भी एडमिशन का सूचना आ गया है। यहाँ पर आपका देख सकते हैं इतना फीस लग रहा है, तो पटेल कॉलेज के छात्र यहाँ पर देख सकते हैं। और जो भी आपका प्राइवेट कॉलेज है तो आप कॉलेज में जरूर संपर्क कीजिएगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज का एडमिशन स्टार्ट है, सरकारी कॉलेज का भी जल्द स्टार्ट होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहीं पर आपको जैसे जैसे नोटिस आएगा हम लोग डाल देंगे। कि स्टूडेंट बार बार एक ही सवाल करते हैं कि सर 20-23 का 7वां मेरिट लिस्ट जो आज आने वाला था वो कब तक जारी होगा। तो यहां पर देख सकते हैं हम लोगों ने एडमिशन विभाग के सर से संपर्क किया, तो सर यही कहे कि कल आपका 7th मेरिट लिस्ट जारी होगा। जैसे ही 7th मेरिट लिस्ट जारी होगा पूरा डिटेल्स में आपको वीडियो सबसे पहले प्रोवाइड कराएगा एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किए हैं तो।
स्टूडेंट का बार बार एक ही मैसेज आ रहा है कि सर 19-22 का फॉर्म ऑनलाइन भराने वाला था, उसका सूचना क्या है? तो इस पर वीडियो देखिए पहले ही बना हुआ है, उसमें हम पीजी का आगे बता दिए थे, तो छात्र को नहीं समझ में आया होगा, बहुत सारे छात्र उस वीडियो को नहीं देखे थे, तो इसलिए आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कराना पड़ रहा है। देखिए 19-22 का फॉर्म का सूचना जल्द जारी करेगा BKSE द्वारा। इस पर अभी पेमेंट गेटवे बनाने का काम चल रहा है, जैसे ही पेमेंट गेटवे बन जाएगा उसके बाद फॉर्म भरने का अधिसूचना जारी कर दिया जाएगा, आपका फॉर्म ऑनलाइन ही भराएगा। स्टूडेंट बार बार एक ही सवाल करते हैं कि जो सर पार्ट 3 का फॉर्म भरने का डेट 15 तारीख तक बढ़ा है, एग्जाम कब तक होगा? इस पर डिटेल्स में एक वीडियो प्रोवाइड करा दीजिए। तो देखिए आप भी समझ सकते हैं, बिहार में विधानसभा का चुनाव है, 10 नवंबर को आपका काउंटिंग है, उसके बाद आपका छठ पूजा है, दीपावली है, तो आप भी समझ सकते हैं DEL का एग्जाम जो 22 अक्टूबर को था उसको भी स्थगित किया गया, दरोगा मेंस को स्थगित किया गया है, तो 20 नवंबर तक अब कोई एग्जाम नहीं होगा, इसके बाद ही अब जो होगा इस पर सूचना आएगा। तो 20 नवंबर के बाद ही अब आप लोग का पार्ट 3 का जो अभी एग्जाम है 17-20 का, उस पर सूचना जारी करेगा BKSE द्वारा। जैसे ही सूचना जारी करेगा सबसे पहले आपको वीडियो प्रोवाइड कराएगा एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी अच्छा लगी हो, तो हमें अप्रिसिएट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।